भारती जी सुगंधर हम लोग बजट सत्र के बोले बोले दूसरे दौर में इस चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, यह दूसरे दौर की चर्चा जो है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि बजट पेश किया गया, चर्चा आरंभ हुई, तकरीबन एक महीने की छुट्टी हुई, देश के कुछ राज्यों में चुनाव हुए, फिर बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू हुआ, रिजल्ट्स आए और अब फिर से इस चर्चा को हम लोग आज रिज्यूम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कई लर्नेड स्पीकर्स इस चर्चा में भाग ले चुके हैं, मैं आंकड़ों के तथ्यों में नहीं जाना चाहूंगा, वो सबके पास अवेलेबल है। सर, ये सरकार जब से आई है लगातार पुराने प्रक्रिया में सुधार, समाज के उपेक्षित अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे, सिर्फ इन्हीं विषयों को ध्यान में रखा गया है। सर, ये सच्चाई है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। भ्रष्टाचार, मनमानी, एमपीएस की लंबी लाइन, संसाधनों का दुरुपयोग, ऐसे विकट परिस्थिति में देश को आगे ले जाने के लिए, हर सेक्टर की ग्रोथ के लिए, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, वुमन एम्पावरमेंट हो, ऑटोमिक सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर हो, बजट में लगातार तीनों बजट में एक के बाद एक बेहतर प्रोविजंस की गई है। सर, अगर सूखा पड़ जाता है, ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो जाती है, तो पहले किसान बहुत चिंतित रहा करता था, आज भी वो चिंता करता है, लेकिन उसको पता है इंश्योरेंस कवरेज का उसकी वाइडनेस इतनी बढ़ा दी गई है कि वो इस नेचुरल कैलामिटी से अब लड़ सकता है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की दिशा में सड़कों का जाल देश में चारों तरफ तेजी से बढ़ रहा है, कोई सिंगल स्टेट ऐसा नहीं बचा है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज की ग्रोथ नहीं हो रही है। सर, यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य फॉर्मली शायद कहे ना कहे, लेकिन इनफॉर्मली कहते हैं कि अगर अब और कितना नेशनल हाईवे मांगे, जो जाते हैं वो मिल जाता है, बाद में मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सर, इतना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम हो रहा है। सर, रेलवे बजट को इस बार इसी बजट का भाग बना दिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि सर बरसों से रेलवे को घाटे का बजट में बढ़ा कर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती थी, सैलरीज में और बाकी चीजों में इतना पैसा खर्च हो जाता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन बढ़ाने के लिए, नए रेलवे को शुरू करने के लिए, मॉडर्न रेलवे बनाने के लिए पैसा ही नहीं मिलता था। आज उसको इसीलिए मर्ज कर दिया ताकि बजट एक हो और रेलवे को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए। सर, रेलवे हो, शिपिंग हो, सारी मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने के लिए जितना बजट चाहिए उससे ज्यादा एलोकेशन किया गया है। सर, यहां बैठे सभी लोग जानते हैं, फिर सर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कि मोदी सरकार ने सर यहां इस देश के हर गरीब के घर का पता जान लिया है ताकि सरकार की सुविधाएं, पैसा सीधा उनके पास पहुंचे। पहले तो निकलता था, एक रुपया पहुंचता था, कितना पैसा ये सभी जानते हैं। सिस्टम में इंप्रूवमेंट पुरानी सरकार ने भी किया है, अभी भी होते जा रहा है, लेकिन किस पेस से हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सर, वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन एक्सट्रीमली बैड शेप, आई डू एग्री विथ जयराम जी, वो भी इस बात को कहते हैं हमेशा कि दुनिया की हालत इकोनॉमी की पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं है, जब उनकी सरकार थी तब भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली देयर इज नो ग्रोथ, रादर द ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। फिर भी इस डिफिकल्ट समय में देश के इकोनॉमी को ठीक रखना और उद्योग को सस्टेनेबिलिटी के लिए जितना प्रोविजन करना, उसके लिए इस बजट में भरपूर उपाय किए गए हैं। सर, टैक्स की दर को 30% से 25% करना, ये मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। सर, मैं अब आता हूं डिमोनेटाइजेशन की ओर, क्योंकि इस बजट की चर्चा इस विषय के बिना संभव ही नहीं है।
सर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की तो सर विपक्ष के सभी मित्रों को ऐसा लगा कि ये कैसा बम फूट गया है। नहीं वो अभी कहे बाद में कहे वो सभी बुद्धिमान लोग हैं वो अपने दृष्टि से कहते हैं हम अपने हिसाब से कहें सर। लेकिन मेरी नजरों में डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब निकलता है सर? इट्स ए बिग चेक ऑन करप्शन, हेवी रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक मनी, ह्यूज रिडक्शन इन टेरर एंड क्रॉस बॉर्डर फंडिंग, ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू द गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंक्रीज इन FDI, सपोर्ट टू क्लीन बिजनेस एनवायरमेंट, एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दिस फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज इन सोशल सेक्टर फॉर डिप्राइव पुअर एंड बैकवर्ड इन सोसाइटी, फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। कई ऐसे कारण हैं सर जिसके लिए यह सारा पैसा पहले जितना यूज में बजट के लिए एलोकेशन मिलता था उससे भरपूर ज्यादा इन सेक्टर्स में खर्च होगा। सर वास्तविक में हम लोग जब कई बार कहते हैं तो विपक्ष भी कहता है कि प्रधानमंत्री आपके नहीं है, हमारे सबके है, देश के प्रधानमंत्री है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सर हम सबको गर्व होना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार मिली है जो सिर्फ और सिर्फ देश के हर वर्ग की, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, व्यापारी हो, इसकी चिंता करती है, कठोर निर्णय लेने से घबराती नहीं है, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स नहीं करती है। मैं माननीय वित्त मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि इतना क्रिटिसिज्म, सीरीज ऑफ क्रिटिसिज्म डिमोनेटाइजेशन के साथ समय चला, इसके बावजूद मजबूती से खड़े रहकर उन्होंने इसे सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया। सर देश के विभिन्न भागों में इलेक्शंस हुए, सिर्फ स्टेट्स में नहीं, लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हुए देश भर में, महाराष्ट्र में भी हुए और भी कई दूसरे राज्यों में भी हुए, उड़ीसा में हुआ। सर सभी जगह पर डीमोनेटाइजेशन को एक मुद्दा बना लिया था, विपक्ष का कहना था कि यह सरकार के लिए एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट तो थी सर, लेकिन वो टेस्ट का रिजल्ट क्या मिला इसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने है। देयर वॉज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन द वोटर्स। सर मेरी विपक्ष से विनती है, स्ट्रांग अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन इज नीडेड इन डेमोक्रेसी, देर इज नो डाउट अबाउट इट। आई एम टू यंग ए मेंबर हियर, लॉट ऑफ सीनियर पीपल आर सिटिंग हियर, लेकिन हमने अगर कुछ कहा, सरकार के तरफ से कोई चीज आया तो उसका विरोध करें। अब इसका समय जा चुका है, युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करती है, सरकार कोई भी हो अगर वो अच्छा काम कर रही है तो अपोजिशन भी उसके साथ आ जाए ताकि उस डेवलपमेंट के एजेंडे में वो भी हमारे साझेदार बन सके, इससे काम और तेजी से बढ़ेगा वहां पर। सर फिर भी अगर ये बात समझ में नहीं आए तो फिर ईश्वरी मालिक है। सर GDP के आंकड़े, दुनिया के एजेंसीज की रिपोर्ट और लेकिन इन सब के ऊपर डेमोक्रेसी में होता है, जनता और इस देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जनता ने दिया हुआ मैंडेट, सर उसने हमें इसमें भरपूर समर्थन दिया है। इसलिए सर आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इसमें जो रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं, काम पहले भी होता था, ये सारे वर्ड्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन पहले काम जिस तेजी से चलना चाहिए था, जिस तेजी से हर स्टेट को काम मिलना चाहिए था, सर इस सरकार ने, आप बजट में देखिए कहीं भेदभाव नहीं किया गया, चाहे सरकार किसी की भी हो। सर हम ये 42% जो इवोल्यूशन की बात की गई है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंटर के बीच में, सर ये आंकड़ों में उस समय जाया जाए जब किसी को तकलीफ थी, पहले क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है, इसके आंकड़ों की अगर हम बात करें, हर स्टेट ये कहता है जितना चाहिए था उतना पैसा मिला, उससे ज्यादा पैसा मिला, और जब भी जरूरत पड़ती है मांगते हैं तो उतना और मिल जाता है। सर ये आंकड़ों में उलझ के होना क्या है ये बताइए मुझे, मेरी जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देखना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और यह वास्तविकता है कि मैं खुद इकोनॉमी का स्टूडेंट रहा हुआ हूं, लेकिन इसलिए मैं बहुत
फक्र के साथ कहता हूं कि ये जो बजट है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद आया है सर, ये एक मॉडल डॉक्यूमेंट है देश में, और जो आज जनता की आज की दिशा और भविष्य की दिशा को तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।